Hello dear learners, today we are going to launch our much awaited program for advanced learners of English, that is ASAC Elite. आज हम अपना ASAC Elite program जो कि advanced learners of English के लिए है, teachers of English के लिए, इसको launch कर रहे हैं formally, इसके admissions open कर रहे हैं और after 15th August, स्वतंत्रता दिवस के बाद में, 15 अगस्त के बाद में हम इसका syllabus भी, इसकी classes भी start कर रहे हैं. Most of the candidates that follow us on our online and offline platforms have information about it. उनको इसकी जानकारी है कि ASAC Elite program क्या है. ये teachers के लिए, जो advanced learners of English हैं, उनके लिए prepare किया गया एक high-end program है English का, जिसमें English का syllabus वही होता है जो academics में हम पढ़ते हैं, जो हमारे आसपास online या offline books होती हैं, उनमें होता है. But इसकी approach बहुत ज़्यादा detailed होती है और डिफरेंट होती है. तो वी हैव ऑलरेडी हैड सम ऑफलाइन सेशंस ऑफ इट एट वीकेंड्स. वीकेंड्स पे हम इसके कुछ ऑफलाइन सेशंस ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं. ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल पर एक ऐसे के लिए प्लेलिस्ट है, उसमें कुछ मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इस प्रोग्राम के कि सिलेबस को कैसे वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, वो भी उसमें हमने दे रखे हैं, शेयर कर रखे हैं आपके साथ में. अब हम इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम को एक साथ में आपके लिए लाए हैं. तो जैसे कि मैं बता रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स दैट फॉलो अस नो व्हाट ASAC Elite इज, उन्हें पता है ASAC Elite क्या है. फिर भी दोज हु आर न्यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं या जिन्होंने अभी रिसेंटली हमें फॉलो करना शुरू किया है, हमें ज्वाइन किया है, उनके लिए ये वीडियो है जिसमें मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोग्राम से रिलेटेड कि इसका सिलेबस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, वैलिडिटी क्या है, कौन ज्वाइन कर सकता है, कैसे ज्वाइन कर सकता है, मोड ऑफ टीचिंग क्या होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव, कि ये जो प्रोग्राम है इसके थ्रू हम अचीव क्या करना चाहते हैं, क्या गोल है, क्या हम अचीव करना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है. तो इसका जो द प्राइमरी पर्पस ऑफ लॉन्चिंग दिस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड अ डेडिकेटेड चैनल टू द एडवांस लर्नर्स. अभी क्या होता है कि जो एडवांस लर्नर्स ऑफ इंग्लिश हैं या जो टीचर्स ऑफ इंग्लिश हैं, जो हमारी मदद चाहते हैं, उनको बेहतर बनने में चाहते हैं, हम उनको किसी तरीके से हेल्प करें, तो हमारे पास कोई डेडिकेटेड प्रोग्राम नहीं है. अभी ऐसे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि हमारे जो कॉम्पिटिशन्स के लिए बैचेस होते हैं, SSC, UPSC या बैंकिंग एग्जाम्स के लिए जो बैचेस होते हैं, चाहे ऑनलाइन बैचेस हों, ऑफलाइन बैचेस हों, वो उनको ज्वाइन करते हैं और उनमें एडमिशन लेते हैं. वहाँ पर सारी चीज़ें मतलब उनका उनके लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन के लेवल में अलग तरीके से सिलेबस को पढ़ाया जाता है, सिलेबस भी अलग होता है और उसकी अप्रोच भी अलग होती है, अप्रोच ज़्यादा अलग होती है. ठीक. तो ये प्रोग्राम जो है एडवांस लर्नर्स को, जो टीचर्स ऑफ इंग्लिश हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें फॉलो करते हैं, उनको एक डेडिकेटेड चैनल प्रोवाइड करेगा जहां पर उनको एंटरटेन किया जाएगा. तो प्राइमरी पर्पस इसका यही है कि एक डेडिकेटेड चैनल जो है वो एडवांस लर्नर्स को हम अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करें, जहां पर वो आकर अपने डाउट्स, अपने कन्फ्यूजन्स, अपने क्वेश्चंस, अपने कॉन्सेप्ट्स हमारे साथ डिस्कस करें और हम वहां पर उनको एंटरटेन करें, जहां पर कॉम्पिटिशन के बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चे ना हों. दूसरा, जो टीचर्स हैं, जो ऑलरेडी टीचिंग में एंगेज हैं, एक्टिव टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं, उनको हेल्प करना कंटेंट के साथ में, कॉन्सेप्ट्स के साथ में और गाइडेंस के साथ में, कि उनको अच्छे क्वेश्चंस, अच्छी एक्सरसाइजेस, कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सरसाइजेस, चैप्टर्स बेस्ड एक्सरसाइजेस, जिससे कि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छा कॉन्टेंट पढ़ाएँ, सिखाएँ और उनको अच्छा प्रैक्टिस भी करवाएँ. तो उसको लेकर हेल्प करना, कॉन्टेंट से हेल्प करना, कॉन्सेप्ट्स की मदद से हेल्प करना, उनको अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाना जिससे कि वो उन कॉन्सेप्ट्स को फर्दर आगे अच्छे तरीके से अपने लर्नर्स को सिखा पाएँ. ठीक है. कॉन्सेप्ट्स को समझने में या डिलीवर करने में, एग्जांपल चूज करने में या प्रेजेंट करने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हेल्प करना, वहाँ हम हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट्स को लेकर. एंड एनी अदर काइंड ऑफ गाइडेंस इफ दे सीक, और अगर उनको किसी भी अदर तरीके की गाइडेंस की हमसे ज़रूरत है तो हम हर वो गाइडेंस जो उनको ज़रूरत है अपनी टीचिंग को बेहतर करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए, अपने स्टूडेंट्स को और अच्छे तरीके से इफेक्टिवली एफर्टलेसली पढ़ाने के लिए, उसमें हम उनकी हेल्प करेंगे. इसके अलावा चूंकि इसका जो सिलेबस है
वो सिलेबस बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, पूरा कॉन्सेप्चुअल है, कोई रूल्स कोई एक्सेप्शंस कुछ याद करने वाला नहीं है, और इस सिलेबस का जो फोकस है वो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस नहीं है। हमें फोकस कॉन्सेप्ट्स पे करना है, क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना है। कॉन्सेप्ट क्यों बना, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे कौन से फंडामेंटल्स हैं, कौन से बेसिक्स हैं जिसकी वजह से वो कॉन्सेप्ट बना, और फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब आप अपने आप कर लोगे। अगर आपको ओरिजिन एक बार पता चल गया तो उसका एप्लीकेशन आप खुद भी समझ जाओगे, और नहीं भी खुद भी समझ जाओगे कोई कन्फ्यूजन है डाउट होगा तो उसके लिए मैं हूँ। ठीक, तो हमारा ये जो प्रोग्राम है ऐसे एक्लीट, इसका एक पर्पज़ ये भी है कि जो लर्नर्स ऑफ इंग्लिश हैं जो हमें ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उनका जो एटीट्यूड है इंग्लिश को लेकर, उनकी जो अप्रोच है इंग्लिश को लेकर, वो लॉजिक बेस्ड हो, साइंटिफिक हो, रट्टा मारने वाली ना हो, बुकिस ना हो, लॉजिकल अप्रोच हो। और उसके साथ ही साथ में हमारे जो लर्नर्स हैं जो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, उनको हेल्प करना इन बिकमिंग ओरिजिनल एंड बिकमिंग इंडिपेंडेंट। ठीक है, आज़ादी उनको भी मिले चाहिए। ठीक है, हमारी कोशिश है कि जो हमारे लर्नर्स हैं जो इस प्रोग्राम में एनरोल होते हैं, उनको हम इंडिपेंडेंट बनने में मदद करें, सो दैट दे डोंट हैव टू डिपेंड ऑन सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, सम एक्सटर्नल सोर्सेज, दे बिकम सोर्सेज देमसेल्व्स, वो खुद सोर्स बने, वो जनरेटर ऑफ आइडियाज़ हों, जनरेटर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हों, जनरेटर ऑफ लॉजिक्स हों। उनको किसी वेबसाइट पर, किसी ग्रुप को, किसी यूट्यूब चैनल को, किसी अंकुल सर की ज़रूरत ना पड़े। शुरुआत में पड़ेगी ज़रूरत, बट आफ्टर 6 months और आफ्टर 1 year, एक साल बाद में, 6 महीने के बाद में, मैं चाहता हूँ उनको मेरी भी ज़रूरत ना रहे। दे बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ दीज थिंग्स, दीज एक्सटर्नल सोर्सेस। ये इस प्रोग्राम का पर्पस है, ये ऑब्जेक्टिव है जो हम अचीव करना चाहते हैं। सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोग्राम। नाउ हु कैन ज्वाइन इट, इस प्रोग्राम को कौन ज्वाइन कर सकता है? तो इस प्रोग्राम को इधर एक्टिव टीचर्स और एस्पायरिंग टीचर्स कोई भी ज्वाइन कर सकता है। एक्टिव टीचर मीन्स दोज हु आर ऑलरेडी एंगेज इन टीचिंग, ऑफलाइन टीचिंग, ऑफलाइन किसी कोचिंग सेंटर में, किसी ट्यूशन सेंटर में, किसी स्कूल कॉलेज में, जो ऑलरेडी एंगेज हैं, पढ़ाते हैं, वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए प्रोग्राम है। और द एस्पायरिंग टीचर्स जो आने वाले समय में एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश खुद को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपना करियर यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, टीचिंग ऑफ इंग्लिश में करियर देखते हैं और आने वाले टाइम में खुद को एज ए टीचर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए भी है जो अभी से खुद को तैयार करना चाहते हैं, सो दैट व्हेन दे स्टार्ट टीचिंग दे पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो ये उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस इसमें क्या है कि जो एक्टिव टीचर्स हैं उनके लिए कुछ एक्सक्लूसिव सपोर्ट एंड फीचर्स हैं जो एस्पायरिंग टीचर्स अभी अवेल नहीं कर पाएंगे, बट इसमें उनका कोई नुकसान नहीं होगा। जब वो कभी एक्टिव टीचिंग में इन्वॉल्व होंगे, कभी एंगेज होंगे, अपना कोचिंग सेंटर ओपन करेंगे या किसी स्कूल कॉलेज में एज ए टीचर ज्वाइन करेंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे, तब वो अपने इन बेनिफिट्स को अवेल कर पाएंगे। मतलब इसमें उनका लॉस नहीं, बट दे विल हैव टू वेट अनटिल दे एंगेज देमसेल्व्स एक्टिवली इन टीचिंग। तो अभी जो एक्टिव टीचर्स हैं जो ऑलरेडी टीचिंग में एंगेज हैं, उनके लिए कुछ एक्सक्लूसिव सपोर्ट एंड कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं। ठीक, तो एनीवन हु इज ईदर अ टीचर और विश टू बिकम अ टीचर कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। ये जो हमारा इलीट सिलेबस है, ऐसे एक इलीट सिलेबस है, ये दो पार्ट में, सिलेबस एंड मेथड, तो ये सिलेबस दो पार्ट में है। जो फर्स्ट पार्ट है वो कंपलसरी है और वो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर करता है। लेवल 1 जो है इस एस ए के लीड का, वो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर करता है, जिसमें जो हमारा एकेडमिक्स का सिलेबस है, लैंग्वेज का जो सिलेबस है, वो सारा कवर होता है। सिलेबस वही है, बट उस सिलेबस को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की डेप्थ के साथ में डिस्कस करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ में, बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ में। और उसको कॉन्सेप्ट वही है, जैसे आपने देखा होगा हमने यूट्यूब चैनल पे कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रखे हैं, कुछ इन्फिनिटिव्स के हैं, कुछ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स के हैं, कुछ रिलेटिव क्लॉजेस के भी हैं। तो ये सारा वही सिलेबस है जो बुक्स में होता है, बट या जो स्कूल्स में पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है, बट ये अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है, ये अप्रोच बिल्कुल हटकर है। ठीक है, और डिटेल्ड बहुत ज़्यादा है। जो बात किसी बुक में या किसी आप
प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वहाँ पे 5 मिनट में ख़त्म हो गए दो एग्जांपल्स के साथ में। हमने उसको 1 घंटे में एक्सप्लेन किया, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, जिससे कि आने वाले टाइम में भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो सिलेबस वही है जो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस लैंग्वेज का होता है, ठीक है, जो CBSE का सिलेबस कह लीजिए आप या स्टेट बोर्ड्स का सिलेबस कह लीजिए, कॉम्प्रिहेंसिवली वही पूरा लैंग्वेज सिलेबस हमने कवर किया है। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, अप्रोच बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। और इसका एक लेवल टू भी है। लेवल टू में क्या है, इलीट मॉड्यूल्स हैं। ये जो लेवल टू है इसमें सिलेबस भी हमारा, एक्चुअली ये हमारा सिलेबस नहीं है, ये तो लैंग्वेज का जो सिलेबस है स्कूल्स के लिए कॉलेजेस के लिए प्रेस्क्राइब्ड है, ये वही सिलेबस है जो किसी भी पढ़े लिखे पर्सन को जितने इंग्लिश आनी चाहिए, और टीचर से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है, टीचर से क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज ज़्यादा एक्सपेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये टीचर्स के हिसाब से उनको सिखाया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। एलीट मॉड्यूल्स जो हैं इसमें क्या है, ये सिलेबस भी हमारा है, ये हमारा खुद का प्रिपेयर किया हुआ सिलेबस है, और इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे मॉड्यूल्स हैं, ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, मतलब एंड आई रियली मीन इट, अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैं आई मीन इट, जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके का भी सिलेबस इंग्लिश में है। ये चीज़ें भी पढ़ने वाली हैं, ध्यान देने वाली हैं, जिन पे कभी हमने नोटिस तक नहीं लिया, ठीक। मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार वीकेंड पर ऑफलाइन सेशन बुलाया था ऐसे के लीड का, तो उसमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर एक्टिव टीचर्स, ज़्यादातर उसमें जो कैंडिडेट्स थे वो एक्टिव टीचर्स थे, एंड आई आस्क सम क्वेश्चंस, मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, एंड सब ने सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत ही बताए, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भी है लैंग्वेज में, ये भी कहीं कोने में, लैंग्वेज के कोने में कहीं पे ये छुपा हुआ है, जिस पे हमारा कभी ध्यान नहीं जाता और जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जो परेशान करता है जब अचानक से सामने आ जाता है। तो मतलब इट इज़ द अल्टीमेट लेवल, ये अल्टीमेट लेवल है, इसके आगे कुछ नहीं है। आप कोई फॉरनर पढ़ लीजिए ग्रामर में, कोई भी पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन कोई ऑथर पढ़ लीजिए, इसके आगे अल्टीमेट लेवल उन कॉन्सेप्ट्स में नहीं है। मतलब जो कॉन्सेप्ट, जो चैप्टर्स हमने एलीट में कवर कर लिए हैं उसके आगे वो अल्टीमेट है, उनसे बेहतर कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। ये ओनली फॉर एक्टिव टीचर्स है, ये केवल एक्टिव टीचर्स के लिए है, और ये तभी अवेल किया जा सकता है, इसके मॉड्यूल्स को तभी मतलब आप अवेल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जब आपने कॉम्प्रिहेंसिव लेवल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, मतलब वो आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसके बाद में आप इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया सिलेबस। अच्छा, इसकी क्लासेस, अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जो हमारा लेवल 1 है ऐसे के लीड का, इसकी क्लासेस जो हैं वो किस मोड में होंगी, तो इसकी सारी क्लासेस जो हैं वो लाइव मीटिंग्स के थ्रू होंगी। लाइव मीटिंग्स का मतलब जैसे कि जूम पर होती हैं, या आपका गूगल मीट पे होती हैं, या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे होती हैं, जिसमें डुअल वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों तरफ से पूछा जा सकता है, बताया जा सकता है, इस तरीके के मोड को यहाँ यूज़ किया जाएगा। क्योंकि जो कंपटीशन का सिलेबस होता है, जो कंपटीशन के लर्नर्स होते हैं, वहाँ पर तो आप वन वे कम्युनिकेशन होता है तो भी चीज़ें हो जाते हैं, डिलीवर हो जाता है कॉन्सेप्ट, बच्चे समझ जाते हैं, बट ये चूंकि बहुत डिटेल्ड है और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन डाउट्स होंगे, ठीक है, तो इसमें हम लाइव मीटिंग्स का यूज़ करेंगे, लाइव मीटिंग्स के थ्रू इसमें सिखाया जाएगा, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा फीचर है कि ऑफलाइन एट वीकेंड्स, अगर किसी लर्नर को, किसी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि ही नीड्स टू डिस्कस समथिंग इन पर्सन विद मी, कि अपने कोई पर्सनल डाउट्स हैं, पर्सनल क्वेश्चंस हैं, पर्सनल कन्फ्यूज़न है, या उसको कोई अदर गाइडेंस चाहिए, या अपनी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई मतलब हमारी हेल्प चाहिए, तो आए हमारे यहाँ डेमो में पढ़ाए, बोर्ड पर हम मौका देंगे, आप आओ पढ़ाओ और हम आपका इवेल्यूएशन करके आपको देते हैं कि आपके पढ़ाने में क्या कमियाँ हैं, नॉलेज वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज, सीक्वेंस वाइज। तो ये सब वीकेंड्स पे, ये एक्स्ट्रा फीचर है। मेन जो सिलेबस है वो लाइव मीटिंग्स में ही कवर किया जाएगा। ये जो फीचर है वो आपके लिए ऑप्शनल होगा, इफ़ यू कैन अफोर्ड, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं दिल्ली में आना वीकेंड्स पर, ठीक है, और आपको लगता है कि दैट विल हेल्प यू, देन यू आर वेलकम, आप आइए वीकेंड्स पर, एंड वी विल सर्टनली हेल्प यू, एंड वी विल हेल्प यू अ लॉट। उसके बाद में जो लेवल 2 है एलीट मॉड्यूल्स, ये फिलहाल में भी स्टार्ट नहीं होने जा रहे हैं, लेकिन जब भी स्टार्ट होंगे तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होंगे। बस इसमें जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी वो केवल रिकॉर्डेड होंगी, उनमें लाइव नहीं पढ़ाया जाएगा, वो रिकॉर्डेड ही मिलेंगे, ठीक है। बाकी ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो मेथड है पढ़ाने का, उसमें हमारा फोकस है कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस नहीं, हमें कॉन्सेप्ट्स कैसे बने, उनके पीछे के लॉजिक्स क्या हैं, रूट कहाँ है, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था,
जब आके यहाँ पे रूल में कन्वर्ट हो गया, उससे पहले इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी, उस पे हमें फोकस करना है। क्योंकि जब हम उसे समझने लग जाएंगे तो हमें क्वेश्चंस की चिंता नहीं करनी। अभी क्या होता है, हमें चिंता करनी पड़ती है कि हमने लिखा दे हैड हिम गो देयर, दे गॉट हिम टू गो देयर, तो अब हमें ध्यान रखना पड़ता है हैड के साथ में गो आएगा, गॉट के साथ में टू गो आएगा। या हमने कहीं पढ़ा लिखा था दीज स्पीसीज आर इन अ डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, तो ए डेंजर गलत हो गया। फिर हमने कहीं दूसरी जगह पढ़ा तो ए डेंजर सही था। या मान लीजिए डेंजर हटा देते हैं, कोई दूसरा वर्ड लिख देते हैं, होप लिख देते हैं, इमरजेंसी लिख देते हैं, ठीक है, एक्शन लिख देते हैं, हमने कहीं देखा एन लिखा, कहीं नहीं लिखा, तो हम क्या करते हैं सारी चीज़ों को याद करे घूम रहे हैं। जब हम बेसिक से वो कॉन्सेप्ट पिक करेंगे जहाँ से ये अफेक्ट हो रहा है, तो हमें ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हम अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये इफेक्टिव हो गया, ये कॉन्सेप्ट काम करने लग गया। अगर हम खुद समझ जाएंगे तो अपने बच्चों को भी ज़रूरत पड़ने पर समझा लेंगे, अगर बच्चे वो डाउट लेकर हमारे पास आएंगे तो। ठीक, तो हमारा फोकस इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स कैसे बने, उनके पीछे लॉजिक्स क्या है और कैसे सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्वेश्चंस पर फोकस नहीं है। ओपन डिस्कशन, जैसा कि मैंने आपको बताई दिया, लाइव मीटिंग्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा, तो उसमें ओपन डिस्कशन होगा, इफ़ यू हैव टू आस्क समथिंग देन यू आस्क। टास्क एंड एक्टिविटीज़ होंगी फॉर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, और आपको रेगुलर टास्क और एक्टिविटीज़ दी जाएंगी जो आपको कंप्लीट करनी, सबमिट करनी कंपल्सरी होंगी। इधर यू विल लूज योर मेंबरशिप, ठीक है, या आप अपना एडमिशन गंवा दोगे। ठीक, तो इसमें क्या है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रेगुलर टास्क एंड एक्टिविटीज़ होंगी, उनको सबको अलग अलग टास्क और एक्टिविटीज़ दी जाएंगी, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन की, इस पर आप कॉन्सेप्ट तैयार करो। कहने को आपको एक सेंटेंस लग रहा है, एक क्वेश्चन लग रहा है, एक रूल लग रहा है, बट एक्चुअल में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसको आप प्रिपेयर करो। तो हम आपको कुछ की पॉइंट्स देंगे, उन की पॉइंट्स की मदद से आप उस कॉन्सेप्ट को पूरा डेवलप कीजिए। इससे आप सोचने के लिए मजबूर होंगे, आप दिमाग लगाएंगे, आप सोचेंगे तो आप ओरिजिनल बनेंगे, आपकी ओरिजिनलिटी बाहर आएगी। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट्स कैसे डेवलप होते हैं, कॉन्सेप्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, लॉजिक्स कैसे मतलब बनाए जाते हैं, ठीक है, ये आप सीखेंगे। तो इसमें रेगुलर टास्क एंड एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी, हर हफ्ते मिलेंगी दो या तीन एक्टिविटीज़ हर कैंडिडेट को, और वो उसको सबमिट करनी होंगी बाद में। ठीक है, ये मेथड यूज़ किया जाएगा पढ़ाने के लिए, लाइव मीटिंग्स होंगी, टास्क एंड एक्टिविटीज़ होंगी, ओपन डिस्कशन होगा, दिस इज द वे। नेक्स्ट, अब उसके बाद में आ गया अदर डिटेल्स, हाउ कैन वन ज्वाइन इट, कि कोई भी अगर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहे तो कैसे ज्वाइन कर सकता है। तो देखिए, इसके लिए आपको हमें एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एसेकलिट प्रोग्राम, एसेकलिट प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, आपको हमें एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना है। व्हाट्सएप नंबर जिस पे आपको मैसेज भेजना है वो ये है 8888787878, 8888787878। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में जब तक आप इसमें ज्वाइन नहीं कर जाते हैं बैच में, तब तक आपको इस नंबर को ही यूज़ करना है कम्युनिकेशन के लिए। एंड एज सून एज यू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड ऑन दिस प्रोग्राम, यू विल बी गिवन अ डेडिकेटेड नंबर, फिर आपको एक डेडिकेटेड नंबर दिया जाएगा, उस नंबर के थ्रू आप डायरेक्ट मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे, फिर उसके बाद आप मेरी जिम्मेदारी हो जाएंगे, फिर ऑफिस हमारा बीच में नहीं आएगा आपके और मेरे। ठीक है, लेकिन अभी आपको ऑफिस के थ्रू ही यहाँ तक आना पड़ेगा। तो ये हमारे ऑफिस का नंबर है, इसको आप सेव करके रखें, दुरानी सर के पास नंबर रहता है 8888787878, इस पर आपको सिंपली एक व्हाट्सअप मैसेज भेजना है कि आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन ऐसे क्लिट प्रोग्राम, और फिर आपको तरीका समझा दिया जाएगा कि आप किस तरीके से इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप उस तरीके को फॉलो करके प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। और जब आप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे 16 अगस्त से, 16 अगस्त से। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद ही हम आपके साथ में लाइव मीटिंग से स्टार्ट कर देंगे, जो भी कैंडिडेट्स ज्वाइन करते जाएंगे उनके साथ में लाइव मीटिंग से स्टार्ट करते जाएंगे। तो आपके जो पर्सनल क्वेरीज हैं, आप टीचिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड डाउट्स हैं, या कोई टीचिंग प्रोसेस से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं, एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन्स हैं, तो वो हम तब तक स्टार्ट कर देंगे डिस्कस करना, और 16 अगस्त से प्रॉपर सिलेबस मैं अपनी तरफ से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक, तो ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज डालना है, आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एस एक एलिट। ठीक है, When will it start? जैसे मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्मली मैं सिलेबस जो है इसका पढ़ाना आपको स्टार्ट करूंगा 16 अगस्त से, लेकिन जैसे ही आप प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, उसके तुरंत नेक्स्ट जैसे आपको लाइव मीटिंग्स में ज्वाइन कर लिया जाएगा, और लाइव मीटिंग्स में तब तक हम अपना ओपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मिसलिनियस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, मिसलिनियस काइंड ऑफ डाउट्स, तुम्हारे कन्फ्यूजन्स, उनको तब तक हम डील करेंगे। ठीक, ड्यूरेशन एंड वैलिडिटी, देखिए हमारी कोशिश है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है इसको हम 6 to 8 मंथ्स में
कवर कर लें। 6 to 8 month में हम ये जो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है उसको पूरा आपका रिविज़न करवा के अच्छे से उसको पूरा कवर कर लें। हो जाएगा 6 months में, नहीं हुआ तो 8 months में हो जाएगा, नहीं होगा तो 10 months में हो जाएगा। मतलब हमारा जो गोल है वो 6 months है, हमें उसको 6 months में अचीव करना है। एक्स्ट्रा क्लासेस देनी पड़े, सैटरडे संडे को क्लासेस लेनी पड़े, ड्यूरेशन बढ़ानी पड़े, वो हम करेंगे, बट हमारी कोशिश होगी 6 months में हम इसको कंप्लीट करें। ठीक। अब उसके बाद में वैलिडिटी, कि ये जो प्रोग्राम है जिसमें आप एनरोल करोगे, आपका एनरोलमेंट कब तक के लिए वैलिड है, ये एक्सपायर कब हो जाएगा, कभी नहीं। एक बार आप हमारे साथ आ गए इस प्रोग्राम में तो आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो एक्टिविटीज़ होंगी वो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। ठीक है। अदर जो हम बीच बीच में रेगुलर एक्टिविटीज़ करवाएंगे, कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ थिंग्स, उनके लिए आप हमेशा एलिजिबल होंगे उनको ज्वाइन करने के लिए। आपके अपने कोई पर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब कोई पर्सनल कन्फ्यूज़न, कोई डाउट्स होंगे तो उसके लिए जो आपको डेडिकेटेड चैनल हम प्रोवाइड करेंगे उसके थ्रू आप हमेशा हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। कभी भी आपको पढ़ाते समय कोई कन्फ्यूज़न हुआ, कोई डाउट हुआ, उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बस कंडीशन ये कि अच्छा पढ़ाओ, बच्चों के साथ मजाक मत करो। ठीक है। उनके भरोसे का फ़ायदा मत उठाओ, उनको चीट मत करो, उनकी इमेच्योरिटी को कैश मत करो, उनको बढ़िया पढ़ाओ, बढ़िया सिखाओ, और जो हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं उन स्टैंडर्ड्स को मीट करो। सो वंस यू आर विद अस इन दिस प्रोग्राम, यू आर ऑलवेज विद अस। एक बार आप हमारे साथ आ गए तो आप हमारे साथ हो, इसकी वैलिडिटी आपकी कभी ख़त्म नहीं होने जा रही है। ठीक। व्हाट इज़ द फीस, अब इस प्रोग्राम की फीस क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो प्रोग्राम है लेवल वन, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर को, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश को कवर करेंगे, इसकी फ़ीस हमने बहुत सोच विचार करने के बाद में काफ़ी कम रखी है। इसकी फ़ीस है ओनली ₹10,000। सो दिस इज़ द फीस, ये फीस है जो आपको पे करनी होगी, और दैट्स ऑल। और 15 अगस्त तक एडमिशन्स ओपन हैं, 16 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, एंड यू नो द वे, आप मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या सिलेबस है, वो मैंने यूट्यूब पर भी ऐसे क्लिट प्लेलिस्ट में काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किए, आप ऑलरेडी जानते ही हैं। जिन बच्चों ने ऑफलाइन सेशंस अटेंड किए थे उनको पता ही है कि लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट्स क्या है, किस तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है। और कैसे ज्वाइन करना है ये भी आपको पता चल गया है, दिस व्हाट्सएप नंबर, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन करना है। फीस क्या है, वैलिडिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, आई थिंक एवरीथिंग इज डन नाउ। ठीक है। बट स्टिल इफ देयर इज समथिंग, फिर भी आपको लगता है कुछ बच गया है, अभी आप कुछ जानना चाहते हो, अश्योर होना चाहते हो, ठीक है, उससे पहले कि आप एनरोल करो खुद को, एडमिशन लो इस प्रोग्राम में, तो दिस इज द व्हाट्सएप नंबर दैट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन। इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आप ये दोनों ही नंबर अपने फोन में सेव रखिए, ठीक है। इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपका मैसेज मैं रिसीव करूंगा। ठीक। तो इस नंबर के थ्रू आप मुझे व्हाट्सएप पर, मतलब कुछ भी ऐसा है कि आपके दिमाग में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, जो आप एनरोलमेंट से पहले, एडमिशन लेने से पहले क्लियर करना चाहते हो, इफ देयर इज एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज है, मुझे लगता नहीं होनी चाहिए बट इफ स्टिल देयर इज समथिंग, लेकिन अगर कुछ हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अपनी क्वेरी को। ज्वाइन करने के लिए आपको उस व्हाट्सएप नंबर पर ही कॉन्टैक्ट करना है, प्रोसेस ज्वाइन करने के आपको वहीं से समझाई जाएगी। ठीक है। यहाँ पर अगर आपको प्रोग्राम से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कुछ भी है, एनी काइंड ऑफ थिंग दैट यू वांट टू बी श्योर ऑफ, तो वो आप मुझसे इस नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक। सो दैट्स ऑल डियर लर्नर्स, आज के लिए बस इतना ही। अच्छी इंग्लिश पढ़िए, अच्छी इंग्लिश पढ़ाइए, आगे बढ़िए। थैंक यू एवरीबडी, बाय।